को नहीं मानते, कोई बात नहीं। आप मंदिर गुरुद्वारे को नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन एक जो उसूल है जो सब पे अप्लाई होता है, दैट इज ऑफ गिव एंड टेक, एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रैटिट्यूड कहाँ से आया भाई? इतना तो मानते हो कि कुछ तो है जो आपको हवा, पानी, अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ तो है। अब उसको थैंक यू कैसे बोले? मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा नहीं सकते थैंक यू बोलने का। अब उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक तरीका। देखो, जो सबसे बड़ी फोर्स है वो है हमारी मदर नेचर। टैंजिबल भी है, आप उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। सो वास्ट, एंड मदर नेचर इज सो काइंड, इट इज सो लविंग, एंड इट इज सो रिस्पॉन्सिव कि आप हल्का सा ग्रैटिट्यूड देंगे वो आपको और ज़्यादा ब्लेस करेंगी। तो मदर नेचर को ज़रूर थैंक यू बोलें, उनको ज़रूर प्यार दें। आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आप एक पेड़ को हग करके देखिए, उसका जो उद्धार होगा सो होगा, आपका जो उद्धार होगा एक पौधा उगाने से, खुली हवा में सांस लेने से, नेचर के आसपास टाइम गुजारने से, उसकी तो बात ही अलग है।